दुमका से लेकर के जामताड़ा के बीच नई रेलवे लाइन का काम कहां तक पहुंचा है और यह प्रोजेक्ट कब तक होगा पूरा, जानेंगे इस वीडियो अपडेट में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब। ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत दुमका से जामताड़ा के बीच नई प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी चल रही है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुमका से जामताड़ा के बीच नई रेलवे लाइन को तैयार करना है। दुमका से जामताड़ा के बीच नई रेल लाइन का सर्वे हो रहा है और यह रेल लाइन दुमका से मसलिया नाला होते हुए जामताड़ा तक बिछाई जाएगी। रेलवे के इंजीनियर भी बताते हैं कि इस रेलवे लाइन के बीच जाने के बाद यात्रियों को सुविधा होगी, जिससे इस रूट पर लोकल ट्रेनें चल पाएंगी। इसकी कुल लंबाई 75 किलोमीटर बताई जा रही है। अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और सर्वे का यह काम यूसी कंसल्टेंसी कोलकाता को दिया गया है। आमतौर पर फॉरेस्ट लैंड अधिक रहने से परियोजना में देरी होती है, लेकिन इस रूट में 2 किलोमीटर से कम पर फॉरेस्ट लैंड है। और आपको बता दें कि फरवरी 2021 में सांसद सुनील सोरेन ने अपने सांसदीय क्षेत्र के दौरान जिला दुमका और जामताड़ा को जोड़ने के लिए इस नई रेलवे लाइन की पहल की थी। उसी दौरान उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था। रेलवे ने पत्र को गंभीरता से लिया और ईस्टर्न रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर कोलकाता के द्वारा सांसद को एक पत्र भेजकर सूचित किया गया है कि आपको इस नई लाइन का प्रस्ताव दिया गया था, उसे स्वीकृति दे दी गई है। सबसे पहले सर्वे का काम कराया जाएगा, जिसके बाद अन्य काम भी चालू होगा। करीब करीब इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन अभी सर्वे का काम जो चल रहा है यह अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। यह अपडेट पर हमारा और भी आने वाला ताज़ा जानकारी आएगा। फिलहाल के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहेगा।